मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज का कमेंट है कि सर प्रश्नावली 14 सी का क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, डॉक्टर मनोहरे के बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है, माध्यक आयु प्रकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जानी है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो, ठीक है। अब देखिए, ये साड़ी दे रखा है, कह रहा है कि 20 से कम, 25 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या 2, 6, 24, 45। अब देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को प्रॉब्लम यही आया होगा। यहाँ देखिए, कह रहा है बीमा एजेंट कितने हैं, पॉलिसी धारकों की संख्या है 100 और पॉलिसी धारक इसमें भी आ गया है। कह रहा है कि 60 से कम यानी कि यहाँ 100 है। अब देखिए, चूंकि अगर यह बराबरता रहता तो जो है इस बराबरता में 100 मौजूद नहीं रहता, ठीक है ना, क्योंकि बराबरता में कभी जो है जितना ये कुल पॉलिसी है उतना ये नहीं रहेगा। ये कब मिलता है लास्ट में, ये जो है जब मिलता है, जब जो है संचयी बारंबारता हम लोग बनाते हैं तो संचयी बारंबारता का लास्ट वाला जो पद होता है वह 100 होता, वो जो है कुल बारंबारताओं के योग के बराबर होता है। तो इससे हम लोग को पता ये चल रहा है कि ये जो है टेबल है ये संचयी बारंबारता का है। तो हम लोगों को इसमें जो है ये जो है बारंबारता का टेबल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बारंबारता का टेबल ज्ञात करके और हम लोग जो है माध्यक ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। माध्यक कह रहा है माध्यक आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान और सरल विधि से बताएंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है टेबल में है कि 20 से कम, तो 20 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या जो है कितनी है, 2। तो 20 से कम तो वर्ग अंतराल क्या बनेगा, यानी कि 20 से कम क्या होगा, यहाँ देखिए 25 से कम, यानी कि इसमें 5 का अंतर है। तो हम लोग को 20 से कम 5 का अंतर से क्या होगा, 15, 20, 25 ऐसे बनाना पड़ेगा वर्ग अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने वर्ग अंतराल बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल बना चुके हैं हम 15, 20, ठीक है। इसकी जो है बारंबारता, संचयी बारंबारता कितनी है, 2 है, ठीक है। इसकी जो है संचयी बारंबारता 2 है और 20 से 25 संचयी बारंबारता जो है कितना है, तो यहाँ पे जो है 6 है, संचयी बारंबारता कितनी है, 6, ठीक है। और यहाँ मैंने संचयी बारंबारता का ये टेबल आप लोग को दे रखा है, यही टेबल लिख देना है संचयी बारंबारता में, ठीक है। तो इसके लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इतना तो जो है टेबल में दे रखा है, ठीक है, वर्ग अंतराल दे दिया है और संचयी बारंबारता ये दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं टेबल में, ठीक है। तो इतना दे रखा है, ठीक है। अब जो हम लोग को क्या करना है कि बारंबारता, इस संचयी बारंबारता के टेबल को बारंबारता टेबल में चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए जब हम लोग संचयी बारंबारता बनाते हैं तो बारंबारता में यहाँ 2 रहता है तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ जो नीचे रहता है इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इसमें से इसको घटा दिया जाए तो यहाँ क्या होगा, वो निकल जाएगा, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब जो है क्या करेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, अब जो है 24 में से 6 घटाएंगे, ठीक है। तो 24 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 8, 6, 14 यानी कि 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 होगा, ठीक है, बारंबारता में। फिर अब जो है 45 में से 24 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 45 में से अगर 24 घटाते हैं तो कितना होगा, 45 में से 24 तो 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 78 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 78 में से 45 तो ये हो जाएगा लगभग में, लगभग क्या, अरे 8 में से 5 या 3 या 7 में से 4 या 3, 33 होगा, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे 89 में से 78 तो ये हो जाएगा 11, अब 92 में से 89 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, और 98 में से 92 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 98 में से 92 घटाएंगे 6 हो जाएगा, और 100 में से 98 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हम लोग का बारंबारता टेबल तैयार हो गया, ठीक है। अब जो हम लोग का ये टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल बारंबारताओं का योग किया जाए तो यहाँ पे जो है 100 होगा, और इस 100 को जो है n मानते हैं, ठीक है।
इस सारणी में माध्यम ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और इसको तो जो है भाई इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को जो है एन अपान टू निकालना पड़ेगा, ठीक है, संचयी परम्बरता के लिए, ठीक है। तो एन अपान टू जो है निकालते हैं, तो एन अपान टू अगर हम लोग करते हैं तो एन का मान 100 है, तो 100/2 करेंगे तो 2 से जो भाग देंगे तो हो जाएगा 50। अब 50 वाला अंक देखेंगे कि इस संचयी परम्बरता में कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो संचयी परम्बरता में जो है 50 45 में तो मिलेगा नहीं, ये मिलेगा 78 में, ठीक है। तो 78 वाला जो है हम लोगों का जो है ये वर्ग अंतराल वाला चिन्हित कर लेना है, ठीक है। इसको भी चिन्हित कर लेना है और इसको भी चिन्हित कर लेना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है चूंकि हम लोग का जो है माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ठीक है, तो पहले जो हम लोग माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। तो माध्यक ज्ञात करने का हम लोगों का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखते हैं माध्यक बराबर, तो माध्यक का सूत्र क्या होता है आप लोग को तो पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग जो है बुक में भी दिया हुआ है, उसको देखना चाहिए आप लोग को और उदाहरण को भी लेके समझना चाहिए, ठीक है। तो एन अपान टू हो जाता है, आ माइनस में क्या हो जाता है, सी एफ संचयी परम्बरता, और उसके बाद से जो है ब्रेकेट बंद हो जाता है, और उसके बाद से बटे में क्या होता है, तो बटे में हो जाता है एफ, और उसके बाद से जो है गुणा में क्या होता है, तो हो जाता है एच, ठीक है। यही होता है ना, एल प्लस एन अपान टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ठीक है। अब देखिए सी एफ क्या होता है और एफ क्या होता है, तो सबसे पहले जो है एफ हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो एफ हम लोगों का हो जाएगा जो संचयी परम्बरता का वर्ग अंतराल का जो मैंने संचयी परम्बरता किसमें इसमें मिला है हम लोग का ये 50, ठीक है। तो 50 वाला जो हम लोग का वर्ग अंतराल होगा ये परम्बरता, ये जो हम लोग का क्या होगा संचयी परम्बरता वर्ग होगा, ठीक है, परम्बरता वर्ग होगा, इसको हम लोग परम्बरता वर्ग मानेंगे, ठीक है। तो परम्बरता वर्ग में जो है हम लोग को परम्बरता वर्ग से हम लोग को क्या मिल जाएगा, परम्बरता वर्ग से हम लोग को एच मिल जाता है। अब जो है लास्ट पद से फर्स्ट पद घटाएंगे तो जो अंतर आएगा वह जो एच होता है, तो 40 में से 35 घटाएंगे 5, तो हम लोग का एच का मान 5 हो गया, ठीक है। और एफ क्या होता है, तो एफ जो है जो हम लोग वर्ग जिस वर्ग अंतराल में ये है एन अपान टू, उसी वर्ग अंतराल का जो है हम लोग को एफ ले लेना है, ठीक है। और सी एफ क्या लेना है, तो जस्ट इससे जो है सी एफ जो है क्या होगा, तो जस्ट इससे ऊपर जो होगा क्या, जस्ट इससे ऊपर संचयी परम्बरता में, इसीलिए इसको सी एफ कहा गया है कि इससे जस्ट ऊपर सी एफ का मतलब कि इस एफ के जस्ट ऊपर जो है सी एफ संचयी परम्बरता में लेंगे, तो ये हो जाता है सी एफ, ठीक है, संचयी परम्बरता का जो है क्या फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इस परम्बरता से ऊपर वाला संचयी परम्बरता का फ्रिक्वेंसी लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को जो है सब कुछ, और यल क्या होता है, तो इसका लोअर लिमिट होता है, जो वर्ग अंतराल में ये 50 पाया गया है उस वर्ग अंतराल का लोअर लिमिट ले लेते हैं यल, तो लोअर लिमिट यल क्या है 35 है, ठीक है। तो 35 भी ज्ञात हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका मान क्या है, तो यल बराबर हम लोग को 35 प्राप्त हो गया, एच बराबर हम लोग को 5 प्राप्त हो गया, उसके बाद से जो है एफ बराबर हम लोग को कितना प्राप्त हुआ 33, और जो है सी एफ बराबर कितना प्राप्त हो गया हम लोग को 45, ठीक है। अब इन सब का एन अपान टू का मान 50 है, ये है, ठीक है। तो इन सब का मान हम लोग को अब इसमें भर देना है माध्यक ज्ञात करने में, ठीक है, तब हम लोग माध्यक ज्ञात कर लेंगे फटाक से। तो यल का मान कितना है, तो यल का मान हम लोग को मिला है 35, अब प्लस में यहाँ ब्रैकेट बंद एन अपान टू का मान है 50, तो 50 और सी एफ, तो माइनस में जो सी एफ का मान कितना है, तो सी एफ का मान यहाँ पे हम लोग लिख ही रखे हैं 45, तो सी एफ का मान यहाँ पे 45 ले लेते हैं, ठीक है। अब बटे में जो एफ एफ की वैल्यू कितनी है, तो एफ की वैल्यू 33 है, तो यहाँ पे 33 ले लेना है ब्रैकेट वन इन टू एच, तो एच की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, तो यहाँ पे 5 ले लेना है, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये रहेगा 35 अब प्लस में, अब 50 में से 45 घटेगा तो कितना होगा 5, अब बट्टे में हो जाएगा 33 और इंटू जो है अभी ये ब्रैकेट बंद ही रखिए और इंटू 5, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 35 अब प्लस में 5 बच्चे 25 अब बट्टे में 33, ठीक है। अब जो है अब 33 में 33 से 25 में भाग देंगे तो
33 में 25 से आप लोग भाग तो दे सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार भाग भी दे देते हैं, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को ना आता हो। तो देखिए 33 से अगर भाग देते हैं 25 में तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, जीरो बढ़ा के यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे। ठीक है, दशमलव से पहले जीरो लिखते हैं, क्योंकि दशमलव इतना छोटा होता है कि इसको दर्शाने के लिए इससे पहले जीरो लिखते हैं, इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इस केवल इसको दर्शाने के लिए कि दशमलव है, इससे पहले जीरो लिख दिया जाता है, ताकि पता चले कि जानबूझ के ही दशमलव लगाया गया है, दशमलव ही है। ठीक है, अब दशमलव लगा लिया। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे दशमलव लगाया तो यहाँ पे एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं अपने मर्जी से। ठीक है, तो अब जो है 33 से जो है अगर 250 में भाग देना है तो हम लोग को जो है कितने बार में भाग जाना पड़ेगा, लगभग 321 लगभग जो है 7 बार में जाएगा। तो 7 त्रिके 21 के 1 हासिल 2 और 7 त्रिके 21 और 2 23। ठीक है, अब 10 में से 1 जा 9 और 4 में से 3 जा 1 यहाँ से कट हो जाएगा। और फिर जो अब हम एक जीरो आराम से बढ़ा सकते हैं, कभी भी एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर डबल जीरो बढ़ाना होगा तो यहाँ पे जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल में एक जीरो से काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो बढ़ा के देख लेते हैं। तो एक जीरो बढ़ा के 190 हो गया। ठीक है, तो अब जो है कितने बार में जाएगा, तो 6 3 18 लगभग 6 बार में। तो 6 3 18 के 8 हासिल 1 6 3 18 1 19। ठीक है, तो 198 हो जा रहा है। 6 3 18 के 8 हासिल 1 6 3 18 1 19। ठीक है, तो लगभग जो है ये जो है 7 6 में नहीं जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो 5 बार में ही लेके जाते हैं। तो 5 3 15 के 5 हासिल 1 5 3 15 1 16। ठीक है, क्योंकि 6 बार में अधिका हो जा रहा है। ठीक है, तो 10 में से 5 जा 5 यहाँ बचा 8 8 में से 6 जा 2, ये ख़त्म हो जाएगा। अब हो गया 250, तो फिर वही बात आ रहा है, यहाँ 250 होगा तो फिर यहाँ पे जो है का 7 5 बढ़ेगा। हैं, तो यही जो है प्रक्रिया में लग रहा है कि ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 5 से यह जो है थोड़ा सा अधिक है। ठीक है, मैंने 7 जो है क्या है 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो लगभग में ये हो जाएगा 0.76। ठीक है, तो इसका मान लगभग में 0.76 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये इसमें ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी यहाँ देखिए निकटतम लिया है, तो 7 जब 5 से अधिक होता है, जैसे कि ये जो है किसके निकटतम है, तो ये जो है 5 के निकटतम मैंने ले रहा है, 2 स्थान तक निकटतम ले रहा है। तो 2 स्थान तक निकटतम लेने के लिए तीसरा स्थान का अंक देखेंगे कि 5 से कम है कि अधिक है। तो 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, 5 से कम रहता तो इसमें 1 नहीं जोड़ते। ठीक है, ऐसे कैसे लिख देते, तो ये हो जाएगा 0.76। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 35 दशमलव प्लस में क्या 25/33 का वैल्यू लगभग में हो गया 0.76। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.76। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 35.76 जो है आय हो जाएगा वर्ष। ठीक है, वर्ष आय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः माध्यक आय, माध्यक आयु कितना हो गया 35.76 वर्ष है। ठीक है, इतना वर्ष है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं कि हमें अभी क्या सुधारने की आवश्यकता है और क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, और आपसे जो भी सवाल फंसता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसका सवाल सॉल्यूशन अवश्य से भेजेंगे। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। ठीक है, फिर हम जो है एक कुछ नया करेंगे। ठीक है, और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।